रुपए, पन्ना में 1,62,00,000 रुपए, टीकमगढ़ में 7,31,00,000 रुपए, नरसिंहपुर में 2,42,00,000 रुपए, मंडला में 2,28,00,000 रुपए, सतना में 5,95,00,000 रुपए, बालाघाट में 16,00,000 रुपए, सिवनी में 5,90,00,000 रुपए के विकास कार्य हैं। और ये सबकी अगर लागत जोड़ है तो लगभग 118,00,000 रुपए के विकास कार्य, खासतौर से ये जो जल जीवन मिशन है JJM, इसके माध्यम से जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं हैं, उनकी लागत है लगभग सभी साथियों से निवेदन है आज कृपया ये बंद हो जाएगा, अपने अपने मोबाइल 20 मिनट के लिए बंद कर लो। कुछ क्षणों माननीय मुख्यमंत्री जी बात करने वाले हैं, 20 मिनट के लिए सभी को अपने मोबाइल बंद। क्योंकि BSNL हमको कनेक्शन दे नहीं पाया है, ये भोपाल से न्यू सिस्टम बुलवा के करवा रहे हैं, जहां जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कृपा करके सभी अपने मोबाइल बंद कर ले, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत उधर जाना पड़ेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन, हर घर जल, 107 ग्रामीण नल जल योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन कार्यक्रम 14 अक्टूबर 2020।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमारे लिए समय सीमा 2024 नहीं है, 2023 है। तो 2023 के अंत तक हम 100% 1 करोड़ घरों में ये कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रथम 2 त्रैमास में अर्थात सितंबर के लास्ट तक 6 महीने में मध्य प्रदेश उन कुछ गिने चुने जिले में ने 100% से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भी मंशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव में जो हमारे मेसन होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनको भी प्रशिक्षण देके रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50,000 लोगों को इसमें प्रशिक्षण देके और काम इस योजना में कराया जाएगा। एक आखिरी चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक निर्देश जारी किए और एक अभियान फ्लैग ऑफ किया है कि इसी जल जीवन मिशन में 100 दिनों के अंदर आंगनवाड़ी और स्कूल जो हैं हमारे उन सभी में, क्योंकि अब कोविड के बाद स्कूल खुलेंगे, आंगनवाड़ी में बच्चे जाएंगे, तो जब वो पहुँचे तब तक हमको नल जल कनेक्शन वहाँ पर दे देना है, जिसके माध्यम से शुद्ध जल प्रदाय किया जाए। एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा और मूल समस्या एक ही है, जल। पानी ठंड हो, गर्मी हो या हो बरसात, सूखापुर के लोग पीने का पानी भरने 2 कोस दूर तालाब तक ही जाते। बच्चे भी देर से स्कूल पहुँच, जानवरों का जूठा पानी पीने वाली जनता ने अब बीमारी को अपनी किस्मत ही मान लिया। खेती बाड़ी और कारोबार चौपट होने लगे, क्योंकि लोग काम के वक्त पानी भरते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब गांव के लोगों को पता चला जल जीवन मिशन के बारे में। भाइयों और बहनों, एक खुशखबरी, 2024 तक देश के गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। योजना का नाम है जल जीवन मिशन और इस पर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होंगे। इससे देश भर के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर बैठे मिलेगा शुद्ध, साफ और पर्याप्त जल। पर हर घर में नल पहुंचेगा कैसे? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना पर काम करेंगे। गांव-गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और नहीं दे सकते हैं, वे श्रमदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरी योजना पर मालिकाना हक आपकी पंचायत का ही हो, और फिर टंकी बनाने से लेकर पाइप बिछाने और घर घर में नल लगाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपके साथ है ही। तो फिर देर किस बात की है भाइयों, चलो। हाँ, अभी चलो। घर घर तक नल पहुंचाने के महालक्ष्मी जल जीवन मिशन लोगों का अपना प्रयास, उनका अपना इनिशिएटिव, राष्ट्रीय कार्यक्रम, लेकिन स्थानीय स्तर पर ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समितियां इसका काम संभालेंगी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट के माध्यम से यहीं से पूरे मध्य प्रदेश मैं बहुत आदर के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर जाता हूँ कि वे सीधे हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे जो ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य हैं उनसे संवाद करें और उसके बाद अपना उद्बोधन दें, आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत।
हेलो पड़ोलिया वाले सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। सर प्रणाम। प्रणाम। विधायक जी भी बैठे हुए हैं। जी सर। क्या हाल है बड़ौदिया में? सरपंच साहब भी बैठे हैं क्या? जी सर मैं ही बोल रहा हूँ। क्या हाल है बड़ौदिया गाड़ी में? बस बढ़िया है सर। आपने बहुत बड़ी सौगात दे दी बड़ौदिया गाड़ी को। हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या थी पानी की। तो अभी तक पानी कहाँ से पीते थे? सर गांव से 2 किलोमीटर के आसपास कुएं हैं, ट्यूबवेलें हैं प्राइवेट, उससे बैलगाड़ी से पानी लाके पीते थे। गांव में हैंडपंप नहीं? हैंडपंप है सर, 7 हैंडपंप है, अभी चल रहे हैं, लेकिन गर्मी के समय में सूख जाते हैं। गर्मी में 2-2 किलोमीटर दूर चलाना पड़ता था। जी जी। अब मैं एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जी योजना का ठीक ढंग से बनने के बाद संचालन करेंगे ना ग्रामवासी? जी बोले भैया सभी। योजना तो बन जाएगी, करेंगे ना सब? योजना तो बन जाएगी, लेकिन योजना के संचालन की जवाबदारी ये आपकी होगी, ग्रामवासियों की होगी। और संचालन के लिए एक जल और स्वच्छता सदस्य समिति बनाने का प्रावधान है। बना ली गई सर। समिति अभी आपने बनाई या बनाई? बना ली सर। समिति में कितने सदस्य हैं? समिति में 11 सदस्य हैं। बहनें भी हैं उसमें? 5 बहनें हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो बहनों की होती है, पानी भैया तो भरते नहीं, भरने बहने जाती है, या तो बेटियां भरती है या बहने भरती है, बेटों से भी नहीं भरवाते परिवार वाले। बहनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जी, योजना के संधारण के लिए संचालन के लिए जो थोड़ी बहुत धनराशि लगेगी जी, वो जलकर के रूप में गांव से मिल जाएगी? मिलेगी। जल कनेक्शन दे गया? मिलेगी सर। मिलेगी जी। तो मैं बड़ौदिया गाडरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा, और नल जल से एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए पानी का जी, आंगनबाड़ी में भी कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना? जी कर रहे हैं। DPR में ले लिया उसको ताकि भावी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए जी। अच्छा एक और सवाल मैं पूछ रहा था कि अभी जी हमने तय किया किसानों के खाते में, चाहे कोई भी किसान भाई बहन हो, अब 4,000 रुपये हर साल और डालेंगे 2 किस्तों में, चाहे पहले से डल रहे हैं प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत, चार हमने फैसला किया कि 4 और डाल के हम 10,000 करेंगे। इस योजना की जानकारी है क्या? सभी को जानकारी है सर, सभी किसान भाइयों को जानकारी है। धन्यवाद सर। कैसी है ये योजना? अरे योजना कैसी है? ये अच्छी है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो चलिए सब तैयारी उस योजना की हो गई, वहां फोटो खींच गए होंगे, फॉर्म भर गए होंगे, तैयारी चल रही होगी। साल में 2 बार में ये डालेंगे, 5 बार राशि डलेगी 2,000 रुपए की, तो मुसीबत और संकट के समय किसान को दिक्कत नहीं आएगी। एक और गरीब भाई बहनों के लिए हमने तय किया कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है और राशन नहीं मिल रहा था, उनकी पात्रता पर्चियां बनाएंगे। अपने पंचायत में भी पात्रता पर्ची बनी है क्या? बनी है सर। कितनी बनी है? लगभग 16 लोगों की पर्ची बनी है।
अब गांव में हर एक को राशन मिलेगा गरीबों को? बिल्कुल बराबर सभी को मिल रहा है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, ये पानी की जल की जो बड़ी सौगात मिली है हमारी सरकार आपकी है, और मिलके सेवा का बेहतर काम करते रहेंगे। विधायक जी को भी, सरपंच जी को भी, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हम बात कर रहे थे जिला सीहोर में, और अब हम झाबुआ चलेंगे। झाबुआ में सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत पारा में हमारे ग्रामीण बहन भाई वहाँ मौजूद हैं, वहाँ हम सीधे जुड़ेंगे। अभी श्रीमती इंदुभाई डामोर जी हैं, सरपंच हैं और अध्यक्ष हैं ग्राम पेयजल और स्वच्छता तदल समिति की। साथ में मौजूद हैं श्रीमती चंपाबाई, अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदल समिति धमोई। तो ये बड़ी परियोजना है, 835 लाख रुपये, मतलब 8 करोड़ 35 लाख की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी, और 1450 घरों तक कनेक्शन पहुँचना है। श्रीमती इंदुभाई डामोर पारा से। सभी पारा वालों को राम राम। सांसद जी को भी नमस्ते। क्या हाल है अपने पारा में? भैया ताली बजा दो। ये जहर कुर्बानी जहर मंगवाई है। बड़ौदिया से आए हुए हमारे बड़ियारवा से अनुरोध करूंगा कि वो इधर आ जाएं मंच के पास। बड़ियारवा चंपालाल जी का भैया साफे से स्वागत करना। जगदीश भैया, जगदीश पायलट जी, सभी का कर दो भाई माला दे दीजिए भैया। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरपंच साहब सभी अतिथियों का स्वागत कर देंगे। अब मैं कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे बीच में विधायक जी मौजूद हैं, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष कल्याण सिंह। बनाया था बड़ौदिया को, जब गोकुल ग्राम बनाया तो घुटन घुटन कीचड़ था गांव से लसूल्ले से लेकर तो खराज खेड़ी तक। जब हम वहाँ आए तो वहाँ देखा तो हालत इतनी बेकार, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के लाए, और उस गांव को जब गांव को देखा अंदर से तो पूरा गांव कीचड़ से भरा हुआ था। आप लोगों को मालूम है कि नहीं?
किसी एलडीसी आपके यहाँ कभी नहीं देखी होगी, ना हमारे कोई आस्था तहसील में भी देखी होगी, तो सब देखी क्या? कभी नहीं लगी थी। पर एक हमारा छोटा सा गांव में बड़ोदिया में रूबरू हमारे सीएम साहब ने आपके सरपंच साहब से बात की है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो तो समय होता तो और 5-4 लोगों से बात करते, लेकिन समय कम होने के कारण और ये भूतना भविष्य कभी कोई कर नहीं सकता, सिर्फ शिवराज जी चौहान साहब ही कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा धन्यवाद देते हुए मेरी बात ये समाप्त करता हूँ। जय।